अपने टप्पू सेना क्लब हाउस में है। मम्मी के जाते ही मम्मी के जाने का इफेक्ट पता चल गया। मैं ना जल गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। साफ सफाई का काम चालू है। सो गाइस देखो यार, मम्मी के जाते ही मम्मी के जाने का इफेक्ट पता चल गया। हाथ में आ गया है झाड़ू और पूरा घर साफ करना पड़ रहा है। इसके बाद पोछा भी लगाना है और ना जाने क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। तो ये सारा इफेक्ट है मम्मी के गांव जाने का। तो आप भी देख रहे हो गाइस, 9 बजे यार कौन उठता है बताओ। 9 बजे उठना पड़ा है, एक तो इतनी जल्दी कौन उठता है। आप लोग उठते हो? नहीं उठते ना, कोई नहीं उठता ना 9 बजे। वैसे जल्दी उठना चाहिए पर हम लोग नहीं उठते आजकल। बाकी ना इस चीज के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ इस पर आप हंसना मत। ये ना एक सोशल मैसेज मैं देता हूँ। जैसे कि क्या कहते हैं, हम लोगों को ना जो बच्चे होते हैं उनको घर वालों की मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए घर के काम पे। लाइक जैसे आज मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, नॉर्मल डेज पे भी हम लोगों को घर वालों की मदद करनी चाहिए। लाइक झाड़ू लगा लिया, कभी बर्तन धो दिए, या फिर कभी सब्जी मंडी चले गए सब्जी ले आए। तो ये सब चीजें ना हमें करती रहनी चाहिए लाइफ में। और इससे क्या होता है, इससे हम एक तो सीखते भी हैं, ऊपर से मम्मी पापा की हेल्प भी होती है। मम्मी पापा भी खुश होते हैं, मम्मी पापा खुश होते हैं तो हम लोग और ज्यादा खुश होते हैं। तो गाइस अभी बस पहले झाड़ू लगा लूं, ठीक है, उसके बाद आपको कोई दूसरा काम करते हुए दिख जाऊंगा मैं व्लॉग के आज के व्लॉग में। तो ठीक है अभी बस झाड़ू लगा के आता हूँ। तो गाइस ये देखो, आज हम दोनों भाई मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मम्मी गांव जा चुकी है, यहाँ पे मैं ना जल गया। तो गाइस यहाँ पे गरम है, ये देखो काम कर रहा है। आता जाता कुछ नहीं है, से फिर भी आ गया काम करने। देखो दाल गरम कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे रोटी फ्राई कर रहे, जो नहीं रही यहाँ पे क्या घी तेल लगा के इस पे जो लगाते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे, फिर दाल के साथ खाएंगे और दूध वगैरह के साथ खाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, क्या गरम हुई है। जला दी, ये देखो गाइस जला दी तूने, क्या गरम करी है ये, ऐसी तो मस्त होती है। ऐसे देखो पीछे हो गया अपना सारा खाना तैयार। मैं दिखाता हूँ, ये जैसा अभी बताया था कड़ी, कल दिन की कल रात की दाल थी। और ये मेरा भाई देखो क्या कर रहा है, इसने दाल और कड़ी मिक्स कर दी है। देखो मैं इसे एक्सपोज कर रहा हूँ, इसकी शक्ल देखो गाइस। और ये रोटी तुम्हारे भाई ने करी है गरम। और देखो ये बताओ क्या बोल रहा था, दाल और कड़ी को मिक्स करके बोल रहा है। फुल गलत है, मास्टर बटर मक्खन जो है उसका फैन है मेरा भाई। तो ऐसी कर रहा था भाई क्या कुछ उसने, मना कर रहा पर करा होगा क्या पता। तो देखो फुल गलत बोल के और गलत काम ही कर रहा, दाल और कड़ी को मिक्स कर दिया भाई साहब। कौन है ये लोग? तो चलो ठीक है गाइस, अभी खाना पीना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस दिन में खाना वाना खा लिया था, थोड़ी देर सो गया था मैं। अब सीन कुछ ऐसा है, बंटी का कॉल आया था कि वो आ रहा है 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा। बंटी नोएडा रहता है, नोएडा से आ रहा है। और बाकी मैंने बिन्नी को बोल दिया कि वो भी आ जाए नीचे, वो तो मेरा पड़ोसी है मतलब पास सामने ही रहता है। तो बिन्नी भी आ रहा है, तो फिलहाल का सीन यही है, बाहर जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे, बिन्नी मेरे को मिला और मुकुल मेरे को मिला, ये अपने टप्पू सेना क्लब हाउस में अंदर घुसे हुए। ये देखो दोनों, ये टप्पू सेना क्लब हाउस है, हटो। इसके अंदर देखो गाइस एक्सरसाइज करने की मशीन है और वो कुछ आलतू फालतू का सामान, डंबल्स, प्लेट्स, डाइनिंग टेबल भी है और अंदर कैरम वगैरह सब है। और यहाँ पे ना बंटी भी आ गया है, देखो। और बंटी कैसा है, लंडे स्वेटर पहन के आ रहा है, क्या बात है, बढ़िया। मैंने भी जैकेट पहन ली। तो गाइस बंटी भी आ चुका है, तो अभी हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कैरम खेलेंगे। यहाँ पे कह रहा है अंदर यार लाइट नहीं है बस इनके टप्पू सेना क्लब हाउस में, तो हम बाहर पार्क में कैरम लगाने की सोच रहे हैं और यहाँ पे कैरम खेलते हैं, देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। सो गाइस कैरम खेलना तो अपना कैंसिल हो गया क्योंकि जो कैरम के कॉइन्स गोटियाँ होती है वो मिली नहीं हमें। तो अभी ये देखो हमारी टप्पू सेना का गोली है, ये गोली बेटा मस्ती ना है, देखते हैं ये घोड़ी है। तो गाइस अभी हम ऐसी बस इवनिंग वॉक कर रहे हैं, ऐसे क्या है ये फुटपाथ जो बना हुआ है इस पे हम चल रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं अपना टाइम पास। सो गाइस बंटी भी काफ़ी टाइम बाद हमें मिला है, तो अभी ऐसी बस बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा घूम फिर रहे हैं, अपना वाला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग अपना। सो गाइस बंटी जा चुका है अपने घर, मतलब चला गया, और बिन्नी और मैं जा रहे हैं टिक्की खाने, पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो एक जगह है वहाँ पर बहुत बढ़िया टिक्की मिलती है, तो हम वही खाने जा रहे हैं। तो गाइस ये है टिक्की और ये है कुछ ऐसी शॉप, बहुत पुरानी शॉप है पहाड़गंज में, तो बस इसे खाते हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ से। सो हे गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कल आपने देखा जो भी है हम टिक्की वगैरह खाने गए थे मार्केट में, उसके बाद ना फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो ये दिक्कत आ गई थी मेन। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, आज मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल पे मोटो व्लॉगिंग,
फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिन्नी मेरे साथ है जो फिलहाल कैमरा संभाल रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से अपने एरिया का एक चक्कर काटेंगे और जो मोटर व्लॉगिंग का सेटअप मैंने लगाया हेलमेट पे उसे टेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, ये है अपनी स्कूटी एक्टिवा हमारी धन्नो। तो गाइस चलते हैं, अब नेक्स्ट जो आपको क्लिप दिखेगी वो हमारी मोटर व्लॉगिंग होगी। हे गाइस तो ऐसा कुछ भी आ रहा है फिलहाल, अब चलते हैं सीधे अपनी स्कूटी पे और ट्राई करते हैं अपने फर्स्ट एवर मोटर व्लॉग। यहाँ देखो पार्क में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए सर्दियों की धूप का मजा ले रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं, और ये ठीक ही आए वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। और साउंड क्वालिटी तो अभी कहना मुश्किल है, वो तो जब वीडियो बनने के बाद चेक होगी, उसके बाद ही पता चलेगी साउंड क्वालिटी। अभी हमारा वाइड एंगल खुल चुका है, तो वाइड एंगल से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है अच्छा वाला। तो ये वही वाली रोड है बंगला साउथ के सामने से जा रही है सीधी सीधी रोड, और आगे जाके आते हैं हमारा कनॉट प्लेस सिटी। वो भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा क्योंकि हम नॉर्मली इधर ही घूमते रहते हैं। सो गाइस सिटी के अंदर नहीं जा रहे हम, वही से हमने लेफ्ट ले लिया। गाइस जहाँ से शुरू करी थी वहीं पे आके पहुंच गए हम। हाँ तो गाइस फिलहाल मैं ना घर आ गया अपने सारे टेस्टिंग वगैरह करके मोटर व्लॉगिंग की। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊं कुछ, ये हेलमेट जो मैंने लिया था और इस पे ऐसा कुछ मैंने सेटअप लगा रखा है अपना छोटा सा बजट फ्रेंडली बिल्कुल। और इसके बारे में ज्यादा जानना होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं डिटेल में वीडियो दे दूंगा कि प्राइस वगैरह क्या आता है और मतलब कैसे सेट करना है, सब कुछ मैं डिटेल दे दूंगा। बाकी अब बात करते हैं जो मैंने मोटर व्लॉगिंग बनाने के बाद चेक किया ना, तो उसमें मेरे को एक चीज़ की कमी लगी। किस चीज़ की? उसमें कमी थी साउंड की, मतलब जो साउंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंगल, व्यू, क्वालिटी सब बढ़िया थी, बट जो साउंड था साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्योंकि ना देखो इस पे मैं ये एक लोकल माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये मतलब बहुत ही चीप माइक है। तो मेरे को लगा था इससे काम बन जाएगा, बट ना एक तो आवाज़ ऐसे लग रही है इसे यूज़ करके कि काफ़ी ज़्यादा फटी फटी है, वो आप वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ ही आ जाएगा। बाकी मैं माइक में इन्वेस्ट करता हूँ या कुछ जुगाड़ निकालता हूँ इसके लिए, और बाकी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अभी वाला थोड़ा मैनेज कर लेना वीडियो, ठीक है, जो है थोड़ी सी छोट, मतलब ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं डाली, छोटी ही डाली है मोटो व्लॉगिंग की। बाकी नेक्स्ट टाइम से जो दिखेगी ना, इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा उसमें मैं पक्का साउंड क्वालिटी भी बेटर कर दूंगा। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।